झीरम कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये फैसला पहले आता तो बेहतर होता। ये स्पष्ट था कि जांच की आवश्यकता थी। जहां से कांग्रेस का काफिला गुजरना था उस मार्ग पर एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। जांच के बाद अब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी, FIR जो दर्ज हुई थी उस पर कार्रवाई रुकी हुई थी, तो बहुत देर हो गया। अब तो उस घटना को 10 साल भी हो गए और इंक्वायरी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में था। जब उनने उचित समझा, जब समय वैसा रहा तो निर्णय आया है। अब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। वो इन्वेस्टिगेशन में देते किसको? NIA के पास मैं भी गया, मैं भी हाजिर होके मैंने भी अपना बयान दिया था। वो तो बयान में कुछ आया ही नहीं। मैंने उनको बताया था कि रास्ते में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, एक आदमी तैनात नहीं था, और वापस आ रहे थे, तो उस घटना को भी मैंने बताया। उसमें NIA की रिपोर्ट में क्या कार्रवाई हुई? तो CM साहब की जानकारी में है और उन्होंने कहा कि नहीं कहा, ये BJP कह रही। मैं तो कह रहा हूँ, जो मैंने जाके बयान दिया NIA के सामने, उसका कहीं हवाला आया? एक एक शब्द का हवाला उसमें नहीं है कि बयान इस प्रकार का आया और उसमें उन्होंने क्या कार्रवाई की। आईना हमेशा सामने रहता है, वो बताता है कि सच्चाई क्या है। ये ऑपरेशन लोटे